अस्सलामुअलैकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहे खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो हाजिर हुए मॉर्निंग रूटीन में, बनाते हैं सुबह का नाश्ता। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो हमारे चैनल पर न्यू हैं, हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट्स कर दें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। ये देखें हैदर अली, हाजरा और इस्लामुद्दीन खेल रहे हैं एक साथ। हैदर अली क्या है, हैदर अली और इस्लामुद्दीन आप बुलाओ, फिर वो बुलाएगा, बात करेगा। ऐसे नहीं जैसे पहले बुला रहे थे। हाँ सही बात है। बस देखने वाले बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, क्या हाल है जी, ठीक ठाक है, तबीयत से ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, जिनके माँ बाप जिंदा है उनको सलामत रखे, जो वफात पा चुके हैं अल्लाह पाक उनको जन्नत में आराम का मकाम अता फरमाए, और जिनके औलाद नहीं अल्लाह पाक उनको नेक साले औलाद अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। माशाल्लाह। और ये देखे सो रहा है नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद उठो, धूप आ गई है बेटा। तो अभी जो है मैं गूंदने लगी हूँ आटा। ये देखे नमक वाला डब्बा भी उठा लिया है और आटा भी मैंने वहाँ पर रख दिया है। तो जल्दी जल्दी जो है आटा गूंद के फिर मिलते हैं। तो जी आटा जो है मैंने गूंद लिया है, तो अभी जो है मैं लगा रही हूँ यहाँ से सारा झाड़ू। तो झाड़ू लगा के बाद में जो है रोटी बनाऊंगी। तो अभी जो है मैं जा रही हूँ रोटी बनाने। ये देखें आटा भी मैंने गूंद के रख दिया था। तो अभी रोटी बनाते हैं और फिर जो है चाय बनाएंगे और बहन भाइयों से शेयर करेंगे। तो जी रोटी जो है मैंने बना ली है, ये देखें। तो ये अंडा मैं तवे के ऊपर बना रही हूँ। घी नमक मिर्चें सब जो चीज़ें मैंने इसमें मिक्स कर दी हैं। तो अभी इसे तवे के ऊपर डालूंगी तो फिर आपको दिखाऊंगी। ये देखिए आधा जो है अंडे का, अंडा जो है आधा मैंने ऊपर डाल दिया है, तो आधा जो है यहाँ पर रख दिया है। तो जब ये बन जाएगा तो बाद में वो मैं डालूंगी। ये देखिए अंडा जो है मैंने बना लिया है। ये देखिए रोटी भी, तो अब बच्चों के लिए रख दूंगी और मैं जो है अभी नाश्ता कर लूँगी। तभी ज़ीशान भी आया हुआ है तो उनसे भी पूछते हैं। ज़ीशान नाश्ता, ये देखे ज़ीशान। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो। बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक, घर में सब कैसे हैं। घर में सब ठीक हैं। अच्छा तो नाश्ता पानी करना है। नाश्ता मैं कर गया। अच्छा तो और प्रोग्राम बना, घर में बताया था अपनी खुशी के बारे में। काम से आया हूं। सही है। तो आज मैं आपको बता दूं कि वो काम क्या है, एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। तो चलो ज़ीशान खुद बताएगा। ज़ीशान आप खुद बता दें वो सरप्राइज क्या है। वो सरप्राइज ये है कि मेरे 1 के सब्सक्राइबर्स हैं तो उनकी पार्टी कर रहा हूँ। मेरा चैनल है ज़ीशान खान व्लॉग, उसका विजिट करें और वीडियो देखें। जी हाँ, तो शायद इस व्लॉग में पार्टी जो है ना हो सके, तो इंशाल्लाह अगले शाम के व्लॉग में जो है ज़ीशान की पार्टी का इंतज़ाम आप देख लेना। ये देखें जी ये क्या चीज़ है आपने बतानी है।
ये बना हुआ क्या है, इंसान बना हुआ है या बंदर बना हुआ है? मेहरान का था, पता नहीं मेहरान कहाँ चला गया, ये नीचे पड़ा हुआ था। तो अभी जो है जा रही हूँ मैं चाय के बर्तन धोने, तो चाय के बर्तन धो लूँ, फिर बनाएंगे चाय, फिर मिलकर सब बैठ के पियेंगे। हाँ जी नंबरदार, क्या हो रहा है? पंखे को बलेट ते रख रहा हूँ। पंखे को बलेट के रख रहे हो? पंखा कैसे बलेट होगा? ये तार ऊपर है। अच्छा तार बलेट रहे हो? हाँ जी। ऐसा बोलो ना कि तार बलेट रहा हूँ, पंखा बलेट के रख रहा हूँ। सही हो गया। धूप है, धूप। अच्छा धूप है। तो यहाँ देखें जी क्या हो रहा है, कौन सा क्या बना रही है? अंडा। अंडा? अंडा क्या होता है? अंडा। मेरा अंडा? मैं कोई अंडे थोड़ी देती हूँ। तुम अंडा नहीं देती, हैदर तो देती हूँ ना। हाँ हैदर देती हूँ। अच्छा तो ये देखें अंडे का ऑमलेट बनाया जा रहा है जी। सही हो गया। सुबह का नाश्ते के लिए सही हो गया। सही हो गया। ये मैं जा रही हूँ चाय के लिए पानी भरने, ये देखें, तो पानी भर लूँ फिर बनाते हैं चाय। जो है मैं बना रही हूँ चाय, चाय का सामान जो है सारा मैंने इकट्ठा कर लिया है, और ये रहे कप और पतीला, और वो रहा हमारा दूध। तो अब जल्दी जल्दी जो है मैं चाय बना लूँ, फिर बच्चों को तैयार करना है। तो एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ है जो ज़ीशान देने वाला है, तो इसीलिए जो है सारा काम फाइनली जल्दी जल्दी करके फिर। तो माशाल्लाह बख्तावर भी आ गई। हाँ जी बेटा, हो गया पेपर? हाँ जी। ख़त्म हो गया आपके पेपर? अच्छा तो अब अपनी वर्दी बदलो, और ये बस्ता भी अपना अंदर रखो, खाना खा लो, ठीक है? अब वो इधर आओ। वो रोटी के अंदर ना मैंने अंडे का ऑमलेट बनाया था, वो रोटी के बीच में रखा है, तो वो आप और इस्लामुद्दीन दोनों इकट्ठे बैठकर खा लेना, ठीक है? तो जी चाय जो है मेरी बन गई है, तैयार हो गई बिल्कुल ही मुकम्मल। तो अब बस कपों में डालते हैं, तो देते हैं सबको। जो है मैं देने जा रही हूँ ज़ीशान और कौसर को। शान कौन से है? जो भी ले लो, जो भी ले लें। ठीक है माशाल्लाह। मैंने ली तैयारी जो है हमारी हो गई है, हम घर से निकल चुके हैं। ये देखें सब बच्चे भी जा रहे हैं और ज़ीशान भी है, कूलर उठाया हुआ है। तो सरप्राइज़ जो है हम ज़ीशान के घर जाकर बताएंगे, है ना ज़ीशान? सरप्राइज़ देखने के लिए साथ रहना है। खुशी के मारे बात भी नहीं हो रही। तो चलो बख्तावर जल्दी करो जल्दी। हाँ जी। था। अच्छा तो अब जी तैयारी मेरी और बच्चों की जो है मुकम्मल हो गई है, तो अब हम जा रहे हैं ज़ीशान के घर। तो वहाँ जाकर जो भी हो गई मालूमात और बातें वहीं पर शेयर करेंगे। तो ये देखिए सब बच्चे भी हैं। तो फाइनली आधा सफ़र जो है हमने कर लिया है, ये देखें बाकी का आधा रह गया है। तो जैसे ही पहुँचते हैं घर तो आप बहन भाइयों से मिलते हैं फिर। अभी जो है ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि धूप बहुत है, तो इसलिए जल्दी जल्दी जो है हम अपना सफ़र नबेड़ रहे हैं, है ना जी सर? नहीं रहे, वो कर रहे हैं क्या, तय कर रहे हैं। हाँ वही तय कर रहे हैं। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो गाड़ी जो है आ गई है इसलिए हम यहाँ पर रुक गए हैं, ये देखें। बहुत लंबी है, अभी पता नहीं। ये देखें अब जो है ख़त्म हो गया है, अब सब बच्चे जो है ये देखें जा रहे हैं। हैदर अली को बख्तावर ने उठाया हुआ है। फाइनली हम पहुंच गए हैं घर, ये देखें ज़ीशान और सब बच्चे आगे आगे और हम जो है पीछे पीछे। बहुत सांसें चढ़ गई हैं। तो फाइनली ज़ीशान के घर पहुंच गए हैं, ये देखें। चेक कर लें हमारा घर है किसी और का है? आपका ही है। अच्छा तो ये लें पैसे, जल्दी से सामान लेके आएं, फिर बनाना शुरू कर दें।
अभी जो मैं जा रही हूँ आलू धोने, तो जीशान गया है सामान लेने बाजार से, बाकी का जो था तो आलू जो है ये घर रखे हुए थे, तो अभी मैं धोने जा रही हूँ। तो जी ये देखें आलू जो है हमने कट कर लिए हैं, तो अभी बाकी का सामान यहाँ पर इकट्ठा करेंगे, तो फिर जब जैसे ही जीशान आएगा तो हम बनाना शुरू कर देंगे। जीशान जो है सामान लेके आ गया है, ये देखें ये धनिया और टमाटर, हरी मिर्चें, ये मसाला, और ये खीरे, ये देखें, और ये प्याज, ये चावल है, और घी, चावल और घी, तो आलू भी है साथ इसमें, प्याज भी है। तो गर्मी थी बहुत, देखें तो जीशान अंदर पंखे पर गया है, बैठा है, तो हम ये जल्दी जल्दी बना लेते हैं। तो मसाले जो हैं सारे मैंने काट लिए हैं, ये देखें टमाटर, हरी मिर्चें और प्याज, ये जो है थूम और अदरक का पेस्ट बनाया जा रहा है, ये घी भी रखा हुआ है, चावल नाप के हमने साफ़ कर दिए हैं। तो अभी जीशान जो है गया है पानी लेने, तो जैसे ही पानी लेके आता है तो फिर बनाना स्टार्ट कर देंगे। जो आलू लेकर आया था जीशान, तो मैंने ये सब काट दिए हैं, तो बाकी का सारा सामान जो है फाइनल हो गया है, तो बस पानी के इंतज़ार है, पानी आ जाए। तो फाइनली अब जो है मैंने पतीला चूल्हे के ऊपर रख दिया है, घी भी डाल दिया है, तो जैसे ही घी गर्म होता है तो हम मसाले इसमें ऐड कर देंगे। हाँ जी, मसाले ऐड करेंगे। हाँ जी, और फिर धुएं निकलेंगे मसाले। आलू भी धो लिए हैं मेरे। आलू भी आ गए हैं जी, धुल के आ गए हैं, तो अभी से रख देंगे यहाँ पर। सही, तो घी गर्म हो गया होगा? नहीं, लग तो नहीं रहा अभी। अच्छा, तो अभी देर है थोड़ी। हाँ जी, अभी जो है मसाला हमने डाल दिया है इसमें के अंदर, तो जैसे ही ये ब्राउन होगा तो बाद में बाकी के मसाले डालेंगे। ये मसाले के अंदर डाल रहे हैं, ये क्या है? थूम और अदरक का पेस्ट। इसका मुझे नाम नहीं आता, इसलिए मैं हर वक्त पूछता रहता हूँ। लहसुन और अदरक का पेस्ट सही है। अभी जो इसको अच्छी तरह कर रहे हैं मिक्स, अभी ये रेडी नहीं हुआ, थोड़ा सा पानी भी डालते हैं इसमें। अभी कुछ देर बाद ये होगा रेडी, फिर क्या डालेंगे? फिर इसमें लाल मिर्च और नमक और दूसरे जो गरम मसाले होते हैं, हल्दी, ये ही डालेंगे। सही है, मतलब मसाले डालेंगे जो भी होंगे। हाँ। सही है, सब्ज मसाला तो डाल दिया है, अब दूसरा मसाला डालेंगे। हाँ, उधर पीछे आलू इंतजार कर रहे हैं। हाँ, वो जब बना लेंगे ना सारे, हाँ, तो फिर आलू डाल देंगे। सही, डाल रहे हैं लाल मिर्च, ये आगे लाल मिर्च, और फिर डालेंगे हल्दी, हल्दी भी आ गई एक चम्मच, और थोड़ा सा, और अभी हर चीज मुकम्मल हो जाएगी। हाँ, और डाल रही हूँ गरम मसाला। हाँ जी, ये एक और दो, बस काफ़ी है इतना। अभी देखें कैसा लग रहा है, ये अभी पानी भी डाल दिया है इसमें एक चम्मच, अभी ये मुकम्मल होने ही वाला है, बस थोड़ी देर है, फिर रेडी हो जाएगा। ये सब भून के ना थोड़ी देर, फिर आलू डाल दूंगी। सही है। तो जी अभी जो मैंने आलू डाल दिए हैं, और बाकी का मसाला भी मैंने ब्राउन कर लिया था, तो अभी आलू डाल दिए हैं, तो इसे अच्छी तरीके भून के ना, तो बाद में जो है पानी डालेंगे। अभी जो है इसमें पानी मैंने डाल दिया है दो बाल्टियाँ, अभी चार बाल्टियाँ और रहती हैं, तो लेने गई है मिस बा, तो वो ले आती है, तो इसमें डालते हैं। ये ले पानी दूसरी ले। तीन बाल्टियाँ हो गई, अब पूरी हुई है कि नहीं? हाँ, तीन हो गई हैं, अब जी से नीचे रखो।
चार तो अभी जो है मैं डाल रही हूँ नमक, पहले भी कुछ डाल दिया था थोड़ा सा, तो थोड़ा सा भी जो है मैंने डाल दिया है। तो इसे अच्छी तरीके से ना मिक्स करके ढक्कन बंद कर दिया। जी डाल रहे हैं इसमें चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आ भी जाएंगे? जी आ जाएंगे शायद, फिर वो ढक्कन लगाने का वो नहीं होगा सिस्टम। ये इरफान भाई ने भी इस पतीले में पकाए थे ना, वो हाँ। तो आ गए थे, अभी ये भी सेम उतने थे, देखते हैं आ जाएंगे। आ गए हैं बस, आ तो गए हैं, लेकिन चम्मच मारने का हिसाब जो है वो थोड़ा तंग हो रहा है। पता नहीं इनको क्या हो गया, रो रहे हैं। जब देखो गर्मी बहुत ज्यादा है, इसीलिए लाइट चली गई है कब से। हाँ गर्मी है ना, और बच्चे जो है चुप नहीं कर रहे। अभी जो है नमक कुछ कम था, मैंने वो डाल के अभी जो ऐसे मिक्स करके ना फिर जो ऐसे थाली लगा दूंगी इसके ऊपर, ढक बंद कर दूंगी इनका। जो है मैंने धनिया डाल दिया है, तो अभी इसे मिक्स करके ना अच्छी तरीके इसे हम दम पे लगा देंगे। तो अभी जो है मैंने चावलों को दम पे लगा दिया है, तो अभी जो है सलाद वगैरह काटते हैं। और ये देखें हैदर अली को बख्तावर खिला रही है, तो कह रही है मम्मा मैं थकी हुई हूँ, हैदर अली उठा लो। अब बहुत थक गई है। हैदर अली क्या खाना है? हाँ पापा खाना है। हैदर अली पापा खाना है। हैदर अली को लगता है भूख लगी है। हाँ भूख लगी है हैदर अली। काट रहे हैं सलाद, और ये देखे खीरे। ओह और मैं सलाद बना रहे हैं। हाँ जी ये टमाटर काट रही है मिसबा, और मैं काटूंगी खीरे, और जो बचेंगे प्याज वो दोनों मिलकर काटें। ये खीरे और टमाटर मैंने काट लिए हैं, अब फूफो और कौसर भाभी जो है वो प्याज काट रही हैं। हाँ जी कितनी देर है? तो जी अभी जो है ये प्याज काटे जा रहे हैं। काट मैं नहीं काट रही, मिसबा खुद काट रही है, क्योंकि मैंने हैदर अली को उठाया हुआ है, रो रहा था, तो ये मिसबा बना रही है जल्दी जल्दी से। मिसबा जल्दी जल्दी से ना ये आप बना लें जी। बस थोड़े रह गए हैं, यहाँ कौसर भाभी भी जो है हमारी हेल्प करा रही हैं। माशाल्लाह मोहियुद्दीन भाई भी आ गए, और सदीक भी, इब्राहिम भी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वो देखे सदीक नीचे गिर गया। क्या हाल है अब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, मज़े सही है। अब गर्मी क्या कहती है? गर्मी है, अभी चल के आया है ना, इसलिए गर्मी हो रही है, और यहाँ पर जब बैठ जाएंगे अभी थोड़ी देर में ना सेटिंग हो जाएगी। हाँ इसके ऊपर मैंने पानी डाला हुआ है। हाँ जी सदीक, सदीक क्या हो रहा है, खेल रहे हो? सदीक भी हंसता है, हंसता है। और ये देखे इब्राहिम भी बैठा है। इब्राहिम क्या खाने आए हो? चावल। चावल किस चीज में? पार्टी के लिए। सही बात है। तो माशाल्लाह जी यहाँ पर जो है सब कालीने वगैरह भी छा दी गई हैं, ये देखें, और मुखलिस भाई भी आ गए हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। और अहमद भाई खाने का नंबरदार भी खड़ा है, नंबर वन पे बैठा है अहमद। हाँ वो तो पहले पहले बैठ गए हैं अहमद भाई, पहले पहले बैठ गए। मेरी सास में इतनी टांग नहीं होती ना। अच्छा हाँ कहाँ पे टांग रही हैं आपकी? तो ये देखें बच्चे सब, बीबी भी आई है माशाल्लाह जी, अबू भी बैठे हैं। अबू जी क्या कैसा खुशी फील हो रही है, जा कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है ना? हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ कि जिशान के आज वन केक की पार्टी है। पार्टी की, इस पार्टी के ना काफ़ी दिनों से जो है इंतज़ार था, आज वो इंतज़ार ख़त्म हो गया है, ऐसा है ना अबू? हाँ जी। तो बीबी भी देखे क्या बोल रही है, बीबी क्या बोल रही हो, क्या बोल रही हो? अम्मा तेरी, अम्मा तेरी बैठा के हमने धो दिए हैं। ये देखें पानी अभी भी निकल रहा है,
तो अभी जो है ना इसे रख दो कहीं ऐसी जगह जो पानी इसका नीचे जी, किचन में रख देते हैं। हाँ, इसका पानी जो है निकल जाए अच्छी तरीके। बहुत सारे जो है ना बहन भाई बोलते थे कि कच्चे होते हैं, अभी देखें कच्चे हैं नहीं नहीं है ना, सही है। तो अभी जो है दम खोल चुका है, प्लेटों में डाल रहे हैं, ये देखें, और ये प्याज भी रखे हुए हैं। तो अभी जो इसे अंदर रखते हैं, मिसबा इसे उठाकर ना अंदर सीधे सीधे लाइन में रखती चले। ये देखें जी, चावल और सलाद सब रखे गए हैं। अहमद भाई माशाल्लाह खाना शुरू कर दिया है। ये देखें सब बच्चे जो हैं बैठे हैं, तो अभी सब इंतज़ार में बैठे हैं। अल्लाह मुखलिस भाई, इरफान भाई और नंबरदार जो है खा रहे हैं। भाई कैसे लग गया खाना? माशाल्लाह जबरदस्त। इरफान भाई आप बताएं। आमीन आमीन। नंबरदार जी, आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छे लगे माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली हो गई है, तो सब भाई और बहनें जो है खा पी ली। तो अब जो इस बात में मैं निशान को मुबारकबाद देती हूं, मान के की पार्टी बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ जी मुबारक आप हमें नहीं, मुझे नहीं दे मुबारक, मुबारक आप उन बहन भाइयों को दें जिन्होंने मेरी सपोर्ट की है बहुत ज्यादा। और मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे अभी 1K की पार्टी रहती थी उससे पहले पहले जो है मेरे 1500 सब्सक्राइबर हो गए हैं, बस 500 और रहते हैं फिर इंशाल्लाह मैं पार्टी करूँगा। और इस ये वाली पार्टी मैंने नहीं की, इस पार्टी करने में जो है फूफो ने मेरी हेल्प की है, क्योंकि मैंने पहले आपने देखा होगा फूफो की वीडियो में हेल्प कराई थी जो कि मैं मतलब चला गया था काम पे, इसीलिए उसी की वजह से फूफो ने पूछा मैं आपके लिए कुछ हेल्प करना चाहती हूँ। तो मैंने बोला मेरी 1K की पार्टी जो है वो नहीं हुई, तो आप इसमें मेरी थोड़ी सी हेल्प जो है कर दें। तो इसीलिए फूफो ने मुझे जो है थोड़े से पैसे दिए और मैंने अपनी पार्टी जो है माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से बनाई, और सब मामू वगैरह जो है सारे आए और बहुत ही हमें खुशी हुई, आपने इस खुशी का मौका दिया। अब जो है मैं मामू असलम और फूफो के लिए बहुत बहुत शुक्र गुजार हूँ कि उन्होंने मेरी इतनी जो है हेल्प की, और आप सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया का क्या बात भाई, ये तो हमारा फर्ज है। आप लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों इसी के साथ हमारा व्लॉग जो है वहाँ यहाँ पर होता है पूरा, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, सब बहन भाई जिंदाबाद।